अल्लाह हाफिज़, हम लोग चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। पीटर पैथो कह रही थी कि नाश्ता करके चले जाते हैं। मम्मा बस हमने सैंडविच खा लिए ना, वो बहुत है हमारे लिए। अच्छा भाई, जब कॉल करो तो उठा लेना, अच्छा ना? हाँ हाँ, आप ही उठा लेंगे। हम कौन सा साल के लिए जा रहे हैं? 3-4 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे वापस। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना और खाती पीती रहना। जी मम्मा, खा लेंगे, पी भी लेंगे। चलो चले अब। हाँ अभी चले ना, कहते से बस यहीं पे खड़े हैं। अरे मेन चीज़ तो भूल ही गए, लैपटॉप लिया तुमने? ओ नो, लैपटॉप तो लिया ही नहीं। जाओ जल्दी से ऊपर से लैपटॉप लेकर आओ। अरे आप ही, मुझे याद आया, वो तो मैंने बैग में डाल दिया था। अच्छा चलो ठीक है, अब चलते हैं। अल्लाह हाफिज़ मम्मा। अल्लाह हाफिज़ आपी। अल्लाह हाफिज़, खैर से जाओ। चले मम्मा, ये लोग तो चले गए, अब हम लोग सेट कर देते हैं। इतना कुछ गंद भी खे गए हैं। चलो बेटा आ जाओ, यहाँ पे तो हम जब चाहे वैसे रह सकते हैं, वो भी बगैर पैसों के। ये तो मम्मा को याद ही नहीं था, क्योंकि ये हमारे मामू का है होटल है। क्यों भाई? हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अंकल कीज दे दें, हमें रूम में जाना है। ये लो बेटा कीज। कितने रूम्स चाहिए आपको? कितने लोग हैं? एक ही रूम चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए बस। ठीक है भाई, ये लो बेटा चाबियाँ। ओके थैंक यू। चलो भाई चलते हैं अपने रूम में। सो फाइनली वी आर हेयर। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे तो बहुत प्यास लगी है। पानी दो यार। पानी तो नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे, कुल्फ़ी नज़र आ रही है। कुल्फ़ी खाओगी? ये कुल्फ़ी नहीं है, इसको आइसक्रीम कहते हैं, बर्गर कहीं की। आओ चाय पीते हैं, आ जाओ। ओके तो तुम लोग जानते हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं? उस डॉल के बारे में रिसर्च करने हैं, क्योंकि देखो हमारी ज़िंदगी में पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं है, या हम कुछ जिन भूत के घर या ऐसे वैसे कुछ हुआ नहीं है, तो हमें इसके बारे में सर्च करना चाहिए ताकि किसी की भी जान खतरे में ना हो। क्योंकि तुमने उसकी बातें सुनी थी? वो क्या बोल रही थी? हाँ यार, मैं तो कसम से तब की डरी हुई हूँ, कहीं वो पीछे से मम्मा या आप ही को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। नहीं नहीं, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। देखते हैं। ओ भाई मैं तो रूम देखती हूँ, रूम कैसा है? बाथरूम तो हमारे घर से ज़्यादा ही बड़ा है थोड़ा सा। ब्यूटीफुल रूम तो ब्यूटीफुल है। अरे पुजल आप भी यहाँ आइए। क्या हुआ? आप ही देखिए पजल, इसलिए मुझे बुलाया। हाँ ये पजल कहाँ से आई होगी? यार दिमाग ना खाओ, ये देखिए एक और भी है। वैसे आजकल तो होटल क्लोज चल रहा है, तो कोई भी रूम वगैरह किसी ने बुक नहीं किया होगा, तो एक काम करते हैं, पूरा होटल देखते हैं कि कैसा है। वैसे भी हम पहली बार आए हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, चलो आप देखते हैं। ओह अल्लाह, जाते ही मम्मा की कॉल आ गई है। रुको पहले बात करने दो। हेलो मम्मा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम जी मम्मा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बेटे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग पहुँच गए हो खैरियत से? जी मम्मा खैरियत से पहुँच गए हैं। कश्यप भी है ना तुम लोगों के साथ ही? हाँ मम्मा, क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं आप? अच्छा बेटा टेंशन तो होती है ना, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अच्छा मम्मा ठीक है, हम आपसे बाद में बात करते हैं, फिलहाल हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? मम्मा बस इस अंदर ही है यार, आप भी ना बस कहीं नहीं। यार वैसे ये कमरा तो ज़्यादा प्यारा ही लग रहा, अपना रूम ना चेंज कर लें। हम 3 लोग हैं यहाँ पे, 2 लोगों के सोने की जगह है। वैसे ये तो है। ये अंकल जी हाँ कर रहे हैं, इनसे पूछो तो ये कर क्या रहे हैं। अंकल क्या कर रहे हैं? आप कौन है? हम ये हमारे मामू का होटल है, मैं यहाँ फोटोग्राफी के लिए आया हूँ। ठीक है करें, और रिसर्चर भी हूँ एक। व्हाट रिसर्चर? अबाउट व्हाट? हर चीज़ के बारे में। क्यों आपको रिसर्च करवाना है? हाँ मेरी बात सुनो, इधर आओ। इसमें क्या है? ये उस डॉल के बारे में बहुत अच्छा रिसर्च करके देगा हमें। हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं था। क्या इससे बात करें? अगर इन्होंने मामू को या मम्मा को बता दिया फिर? अरे वो क्यों बताएंगे, बात कर लो इससे। हमें एक चीज़ के बारे में पूछना था, क्या आप उसके बारे में हमें रिसर्च करके दे सकते हैं? किस बारे में? एक डॉल है, क्या ऐसा हो सकता है कि डॉल के अंदर भूत हो या रूह हो? जी जी बिल्कुल ऐसा तो होता है, मेरी रिसर्च के मुताबिक ऐसा होता है। तो क्या आप उन डॉल्स की शक्ल दिखा सकते हैं जो अभी तक लोगों के घरों में आई हों, उनके रूह वगैरह कुछ ऐसा? ठीक है मैं आपको रिसर्च करके दिखाऊंगा,
मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, आपको जितना टाइम लेना आप लें और आप यहीं रहिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें हमसे आप हमने आपसे कुछ मतलब डिस्कस भी करना है। ठीक है भाई, मैं एक से दो दिन यहाँ रह सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं। ठीक है, बस आप हमें इस बारे में सर्च करके थोड़ा सा बता दीजिएगा। आप इसी कमरे में रह सकते हैं। ओके ठीक है जी, मैं आपको और सर्च करके बता देता हूँ जी। ठीक है, देखो वैसे मैं यहाँ ज़्यादा टाइम तो रह नहीं सकता, बट अगर आप कह रहे हो तो ठीक है। वैसे मुझे मैं इन चीज़ों के पैसे भी लेता हूँ, आप कुछ जितने पैसे लेने आप मुझे बता दीजिएगा। ओके वेल, चलो गाइस चलते हैं। सो फाइनली हमें ऐसा बंदा मिल चुका है जो हमें इसके बारे में रिसर्च करके बताएगा। और अगर तो इस डॉल ने हमसे पहले उस घर में किसी ना किसी को मारा या तंग किया होगा तो वो सबको सामने आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि क्या बताया था डीलर ने कि उस घर में कौन रहता था हमसे पहले, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहता था, ऐसे ही सुना था ना या नहीं? हाँ, एक साइंटिस्ट रहता था। सो आई मीन आप ही क्यों मेरा हासा निकाल रही हैं, साइंटिस्ट और जिन भूत इनमें मतलब आप ही क्या मतलब है आपका? यार मतलब सोचो ना दिमाग से अपने, कोई होगा तो उसने कुछ ना कुछ तो गूगल पे अपलोड किया ही होगा, या उस डॉल की पिक्चर उस डॉल के हवाले से कुछ ना कुछ तो मिल सकता है हमें। आप ही इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम वो बंदा है वो हमें रिसर्च करके दे देगा, अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ तो हमें नज़र आ जाएगा, और अगर ऐसा वैसा उस डॉल में कुछ ना हुआ और हमारा वहम हुआ वो सब कुछ तो भी समझ आ जाएगा। तुम्हारा दिमाग ना ख़राब है, वहम तो वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता ना। आप ही मैं क्या सोच रही थी, हम इस रूम में ना ठहर जाएं? डिस्कस्टिंग, तुम सब लोग पागल हो, जिस काम के लिए यहाँ आए हो उनका उस काम को छोड़ के तुम लोग को रूम सेलेक्ट करने की पड़ी हुई है। अच्छा ना आप ही परेशान क्यों होती हैं, हो जाएगा ना काम, अब हम यहाँ आए थोड़ा 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 बहुत चिल मस्ती तो करेंगे ना, तुम लोग की चिल मस्ती की भाड़ में।